स्कॉर्पियो वालों ने दिल पे ले लिया भाई, मानने आ रहे मानने आ रहे। अरे अरे यार स्कॉर्पियो वाले ऐसे क्यों करते हो भाई है? ओ भैया हेलीकॉप्टर आए, गजब भैया क्या। 20 लाख में इसे अच्छा स्कॉर्पियो ले लिया ना, रैली वैली में चली चपक के एकदम अलग, नेताजी बोले ही अलग हाँ भाई कही थे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा दूसरा दिन है वाराणसी में और आज हमें यहाँ से निकलना भी है। सारी पैकिंग हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 7:42 और सारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस एक लड़का हमारा रेडी हो रहा है, बाकी हम सब रेडी हो गए। तो यहाँ से निकलते हैं और निकल के हमें जाना कहाँ है, हुड क्या था, एक प्लेस है अंडर द हुड, वहाँ जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि करने जा रहे हैं। सो गाइज हम आ चुके हैं बाइक पे, हमारी पैकिंग हो चुकी है डन, सारे बैग जो है वो हमने बांध दिए हैं और अब यहाँ से निकलने का टाइम आ रहा है क्योंकि हमें पहुँचना है अंडर द हुड। ओके 8:18 हो गया, थोड़ा सा लेट जरूर हो गए। आरएस वारे सब रेडी हो गई, आरएस का शीशा यहाँ पे पहुँचते ही एक टूट गया। तो गाइज हम यहाँ से निकल चुके हैं, सबसे पहला काम हमारा है कि हमें फ्यूल अप कराना है बिकॉज 13.4 लीटर फ्यूल यूज हो चुका है, तो ज्यादा बचा नहीं है और येलो सिंबल जल गया है, तो हमें रिस्क ना लेना पड़े बिना मतलब का, इसलिए हम फ्यूल अप करा लेंगे। और यहाँ से हम जा रहे हैं अंडर द हुड, एक प्लेस है यहाँ पे 14 किलोमीटर दूर, जहाँ पे हमने एक मीटअप अनाउंस किया था कि जिसको भी वाराणसी से हमसे मिलना है वो आके वहाँ पे मिल सकता है। सुबह हम कोलकाता के लिए जब निकलेंगे तो रास्ते में मिलते हुए सबसे चले जाएंगे, तो अब देखते हैं वहाँ कितने लोग आए हैं, 2-4 लोग तो आ ही होंगे उम्मीद करते हैं भैया, लेकिन कोई बात नहीं मज़ा ज़रूर आएगा हमें। हम निकले हैं एकदम रौला काटने, तो रौला काट के जाएंगे। ये एम टी वाले भाई हमसे रेस लगा, अच्छा आगे से रेस लगाओगे भाई, हम रेस नहीं लगाते भाई। भैया जरा इसका पेट फुल कर दो यार। सो गाइज यहाँ पे अब फ्यूल अप करा लेते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं मीटअप लोकेशन पे अंडर द हुड। भाई फुल कर दो यार। सो गाइज फ्यूल अप करा के हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं सीधे अपनी मीटअप लोकेशन पे। लेट हो गया 8:33, सॉरी गाइज, लेकिन यार कल काफी ज्यादा लेट में हम सोए बिकॉज एडिटिंग कर रहे थे, थक गए थे और इस बंदे के भरोसे थे। हमने इससे पूछा कि सुबह उठ जाते हो टाइम से, कह रहा हाँ भैया 6 बजे हम एकदम तैयार हो जाते हैं, हमारी आँख अपने आप खुल जाती है। हमने कहा चलो भाई तब ठीक है उठा देना। 7:30 में मेरे पास फोन आ रहा है, भैया कहाँ है आप, तब पता चला ये तो उठा ही नहीं, बगल में पड़ा खुद सो रहा है, क्या आदमी था यार। लेकिन कोई बात नहीं, चलो 8:33 ही हुआ है अभी, भाई लोग अपने पहुंच चुके हैं यार, बस चलो 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 और जो बोला जय श्री राम। सो गाइस हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और भाई लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। ओ भैया क्या हाल है, अरे क्या हाल है भाई लोग, बढ़िया बढ़िया। चलो गाड़ी उधर लगा दे बीच में। सब लोग भाई आगे आ गाइज फाइनली मीटअप सक्सेसफुली हो गया है, काफ़ी ज़्यादा भाई लोग आए थे, उम्मीद नहीं थी मुझे कितने लोग आ जाएंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे। और मैं आपको दिखाता हूँ ये है प्लेस जहाँ पे हमने मीटअप किया अंडर द हुड, काफ़ी बढ़िया लोकेशन थी यार, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे भाई लोग हमें। और अगर वाराणसी से कोई है किसी को बाइक वगैरह में काम कराना है या हेलमेट वगैरह एसेसरीज वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आ सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे बाइक वॉशिंग की भी सुविधा उपलब्ध थी, तो अपनी पुष्पा जो है यहाँ पे वॉश भी हो गई है, बाकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी है भैया के पास हेलमेट वगैरह का, ये देखिए यहाँ पे हेलमेट वगैरह। तो मुझे अपने हेलमेट के लिए वाइट वाइजर चाहिए था क्योंकि रात में मुझे बंद करके चलाना पड़ रहा था और कुछ दिख नहीं रहा था मेरे हेलमेट पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये वाला वाइजर है, तो ये दिन के लिए तो अच्छा है लेकिन शाम होते ही ये यूज़लेस हो जाता है, तो यहाँ से एक वाइट वाइजर भी हम ले लेंगे।
बाकी लोकेशन बहुत बढ़िया है, सर्विस वगैरह अगर आपको करानी है तो भी यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, कार वॉश, बाइक सर्विस, एक्सेसरीज, सब कुछ। तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन थी यार। अभी ये अपनी पुष्पा यहाँ चमचमाने लगी है, बस इस पर अपना लगेज वापस से बांधेंगे और थोड़ी देर में लेके निकलेंगे इसे। चलिए भैया थैंक्स। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बाहर और अब जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। मीटअप बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया यार। मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे कि इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी सही क्राउड था। इतने शॉर्ट मोमेंट पे बताने के बाद भी अपने भाई लोग अपने से मिलने आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे पहले से प्लान नहीं हो पा रहा था बिकॉज लोकेशन डिसाइड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि वाराणसी में अंडर द हुड नाम का भी कुछ है, और जो कि बहुत बढ़िया है। मतलब कुछ नहीं है और बहुत बढ़िया चीज़ है जो भी है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं भैया, ये लोग हमें रास्ता दिखाएंगे और उसके बाद। गाइस वाराणसी के लोग रियल में बहुत ब्लेस्ड है, सही बता रहा हूँ। मतलब ये वाइजर मैंने जो यहाँ से लिया, वाइट वाइजर, मैं लखनऊ में सुपर राइडर से खरीदता था इसे 1,050 रुपये का, यहाँ मुझे मिला 720 रुपये का। मैंने कई सारे वाइजर खरीदे वहाँ, लेकिन लाइफ में इतना कम प्राइस मुझे पहली बार मिला है भाई। यार सच में वाराणसी बहुत ब्लेस्ड हो, तुम ऐसी जगह पर रह रहे हो कितने सही प्राइस में तुम्हें सही चीज़ें मिल जा रही हैं। तो भैया गंगा मैया की जय हो। और ये पुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भैया, ऐसे जब पुल आते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और इनका जो प्रेजेंस है बहुत ही काबिले तारीफ है। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं, मेन हाईवे पे आ चुके हैं और हम जा रहे हैं आसनसोल की तरफ, लेकिन गूगल बाबा हमें भ्रम में डाल रहे हैं क्योंकि वो हमें इनसे कह रहे हैं कि भैया यू टर्न ले लो। अभी आगे रुक के ज़रा एक बार और हम चेक करेंगे कि क्या हम सही जा रहे हैं। वैसे अभी हमारी डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है, यहाँ से 450 किलोमीटर आसनसोल है और उसके बाद कोलकाता और आगे, तो धीरे धीरे जा रहे हैं। अरे लास्ट टाइम यहीं रुके थे, यहीं रुक के चाय पी थी हमने। ओ याद आ गया, जयेश सर के साथ यहीं रुक के हमने चाय पी थी भाई, और ये लोग आगे निकल गए अशोक भाई का फैमिली ढाबा। सो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो, XBHP के साथ राइड करने के बाद जब मैंने देखा कि आसनसोल एंड कोलकाता में इतना सारा प्यार मिला मुझे, इतने ज़्यादा भाई लोग चाहने वाले अपने, कि वहाँ का प्यार मुझे वापस से खींचने लगा और मैंने डिसाइड किया कि अपनी पुष्पा को लेके मैं तुरंत ही निकलूँगा। अब मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना है, बिकॉज जितना ज़्यादा वेट करूँगा उतना ही ज़्यादा टाइम बढ़ता चला जाएगा, और जब अपने इतने चाहने वाले भाई लोग हैं तो फिर टेंशन की क्या बात है। वहाँ का सुपर बाइक कल्चर देख के, वहाँ का बाइकिंग ग्रुप देख के ना मज़ा सा आ गया, तो ये डिसाइड किया मैंने कि अब निकलो यार, वापस से मिलो भाई लोगों से। तो कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह समझ में नहीं आ रहा था। पहले मैंने राइड प्लान की कोलकाता की, फिर कोलकाता कैंसिल करके राजस्थान की, फिर राजस्थान कैंसिल करके फिर मैंने सडन प्लान किया कि चलो कोलकाता ही चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा, एक बार निकल लेते हैं बस। और अगर कोई दिक्कत हुई तो आगे सिक्किम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलीगुड़ी है, वहाँ जाएंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हो सकता है सिलीगुड़ी पहुँचते ही, मतलब रास्ते में ही कोलकाता के बाद जब हम सिलीगुड़ी के लिए निकलेंगे, तो इस बाइक का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, इस बाइक का लुक थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब इस लुक में आपने गाड़ी देखी ली, ओवरऑल खूब धमाल मचाया इस कलर ने, इस ग्राफिक ने, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आया, लेकिन अपनी गाड़ियों का कलर जो है वो बदलता रहता है क्योंकि लगना चाहिए कि गाड़ी नई है। तो इस बार सिलीगुड़ी पहुँचते ही क्या रैप होता है इस पर, क्या आता है वो तो वहीं पहुंच के पता चलेगा, लेकिन जो भी आएगा ना एक नंबर क्लासी, मैंने तो देख लिया है भाई। अब आप लोग की बारी है, आप जब देखोगे तो आप कैसे रिएक्शन देंगे यही हमें देखना है। भैया बहुत खतरनाक निवासी है यहाँ के, बिल्कुल दिखता ही नहीं है, मेन रोड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम जा रहे हैं सड़क से उधर से निकला इधर क्रॉस कर जा रहे हैं, हम कहे 90 मिनट में बचे रहो, नहीं निकल जाते हो रोड की जगह कहूँ अंतिम पर होते हो, पता नहीं यार, ऐसे ना किया करो भैया, जान बहुत प्यारी है कि नहीं है। मुझे 200-200 वाली रोड हमें लग रही है, 200-200 तो नहीं लेकिन 150-150 हम कर देंगे जरूर। वाह भाई क्या रोड मिली है, इतना बढ़िया पैच मिल जाए तो क्या ही कहने। ये हमका लागत है हम बिहार में कदम रख दें, क्योंकि हमका एक दो गाड़ी दिखाए लागी जिनमें बिहार नंबर है, लेकिन अब भाई बॉर्डर नहीं आवा है तो कुछ समझ में नहीं। आप बिहार आए गए भैया, कैमूर भभुआ बिहार थाना। यू पुल देखो भैया कत्ता रापचिक रौला है, इधर दोनों लौंडे रुके हैं इधर, क्या हो गया हैं, इनका इंतजार करते करते हम पीछे रह गए थे, मैं जानते हैं 5-6 मिनट इनको हो गया, वो 20 मिनट जाता। अरे तुम यार, हम सोचे थे कोलकाता में मिलोगे सीधे, मुझे लगा गिरियाओगे, कहोगे तुम्हें बहुत जल्दी है यार, अच्छा। सो गाइस हम बहुत तेजी से निकले जा रहे थे, लेकिन अचानक से हमारी नजर पड़ी इस पे और हमने कहा रुक 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 रुक,
ओ भैया हेलीकॉप्टर हाय गजब भैया, क्या कस्टम मॉडिफिकेशन है भाई, एकदम तगड़ा बोले तो रातचिक अनुष्का बेस्ट डिजिटल साउंड। अबे भाई क्या मॉडिफिकेशन किया है इसका। अगर ये सड़क पे उतर जाए भाई मजा ही आ जाएगा एकदम भाई। अब इसकी टेरार के साथ फोटो खींचेंगे भाई एकदम तगड़ी वाली और वीडियो बनाएंगे इस पे, देखते हैं किसका है ये। 20 लाख में इसे अच्छा स्कॉर्पियो ले लिया ना, रैली वैली में चली चपक के एकदम अलग, नेताजी बोले अलग है। हाँ भाई कही थे नेताजी रैली टाइम पर फोन करिए भैया स्कॉर्पियो की जरूरत है आ जाओ। ये सब गाड़ी 2-2 लाख रुपया महीना में खाए जाती है। और कितना की माइलेज देती है? माइलेज वाइलेज देते नहीं है, माइलेज दसों नहीं आवत है। रत्ती भीड़ भाड़ में गुजे में ना 4-5 का माइलेज दिए लागत है। तो भैया देखो ये सब सवाल जो हुआ था ये पूछे जाते हैं जहाँ जहाँ हम गाड़ी रुकी थे कि भैया यह गाड़ी कितने का है, हैं यह गाड़ी इतनी महंगा है, इतने में तो कार आ जाता है, इतने में तो स्कॉर्पियो आ जाता है, और फिर आवत है माइलेज कि भैया यह गाड़ी कितने का माइलेज दिए थे। तो भैया इमा फ्यूल बढ़े लागत है। और ये जो हेलीकॉप्टर है ना इनकी कुछ क्लिप हमका मिल गई है रात की, तो बढ़िया लाइट लगी इमा, दिन में तो लाइट पता नहीं चल रही है लेकिन रात की जो है वो बहुत सारी इसमें लाइट लगी हुई है, तो उसका मैंने शॉट ले लिया, मैं डाल दे रहा हूँ इस पर। लेकिन काफ़ी बढ़िया मॉडिफिकेशन किया है आप देख सकते हो, पूरी वैगनार है ये, वैगनार को ऐसा मॉड किया गया है, पीछे पंखा लगा दिया, ऊपर पंखा लगा दिया है, अंदर से पूरी वैगनार है, तो गुड। और ये गाड़ी जो है वो यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है भैया, टेंट हाउस में, बारात में, शादी में, दूल्हा इसमें बैठ के जाए अगर तो क्या कहने, ये बिहार है भैया, बिहार कुछ भी हो सकता है। अचानक से मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे, भाई मैंने कहा रुक, इसको तो भाई लेना है कैमरे में, ये लेजेंडरी चीज़ जो बनाई गई है ना, कसम से यार एक नंबर, पंखे नाचते हैं इसके दंदरा के भाई। ये इंडिया है भाई, कुछ भी हो सकता है, ये जुगाड़ अगर बाहर चला गया ना, ये किसी अगर हेलीकॉप्टर कंपनी के पास चला गया तो सुसाइड कर लेंगी कि भैया अब हमें 8-8, 9-9 करोड़ के हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं और यहाँ लौंडे वैगनार को हेलीकॉप्टर बनाए दे रहे हैं। भाई क्या बात है, क्या बात है, मजा ही आ गया एकदम। तो गाइस चलते चलते बहुत ही चमकीली भड़कीली रंगीली बस मिली हमें, ऐसी बस हमने जीवन में कभी नहीं देखी, पीछे से बिल्कुल नागिन, आगे से बिल्कुल डसने वाली, साइड से बिल्कुल चित्रकलाएं और पता नहीं क्या क्या, पीछे से आप देख सकते हो ऊपर वो जो बना है एकदम नागिन के शेप का है, मदन मोहन बस सर्विस, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। अगर बगल से देखोगे भैया ये देखो क्या बना दी ने बस को भैया, ये ऐसी बस जीवन में हमने कभी नहीं देखी, लेकिन ये बस जो है वो वेस्ट बंगाल की है भैया, और वाहन चालक एकदम रौला काटे पड़ा है लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओम्फो आगे से कैसी है, अरे बाप रे बाप, आगे से बस देखो कैसी लग रही है, एकदम लग रहा है कि क्या ही है। सो गाइस कुछ दिनों पहले इसी पुल से मैं गुजरा था, मैंने कहा था ड्रोन शॉट दे रहा हूँ मैं क्रूज कंट्रोल लगा के, तो एक बार फिर से मैं ड्रोन शॉट दे देता हूँ आप लोग को क्रूज कंट्रोल लगा के, समझ रहे हो कितना बढ़िया और कितना प्यारा ये है। इस टाइम इधर नदी पता नहीं कौन सी है यार, नदी आई डोंट नो, शायद गया जी तो नहीं है ये, क्योंकि बिहार से होके हम गुजर रहे हैं, बट जो भी है एक नंबर है भाई। और पुल पे आने के बाद तो अपन को बहुत अच्छा लगता है, वाह मैन एक्सट्रीमली क्रेजी मैन क्रेजी। स्कॉर्पियो वालों ने दिल पे ले लिया भाई, मानने आ रहे। अरे अरे यार स्कॉर्पियो वाले ऐसे क्यों करते हो भाई, स्कॉर्पियो वाले ने भैया दिल पे ले लिया है, इतनी महंग गाड़ी ली नहीं है लेकिन उनके बावजूद हरा नहीं पा रहे, इसे बहुत दिल पर ले लिए ने, एकदम रेले पर रहे इधर से उधर, दहीने बाएं, समझ रहे हो, ये दियाओ पता नहीं कार वाले बाइक वाले के सामने दिल पर काहे ले लिए थे, एक फॉर्चुनर वाले दिल पर लीन है, आज स्कॉर्पियो वाले दिल पर लीन है भैया, तो रवला काट दे है जान पर थे है? जानत नहीं है, बाय बाय टाटा सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये दिया स्कॉर्पियो वाले दिल पर ले लीन भैया आज। अच्छा तो ये अति महंग गाड़ी लेन विधायक जी के आगे पीछे नाची थे लेकिन हराए नहीं पाए रहे, का बात, विधायक जी से सोर्स लगवाई है अब।
भैया विधायक जी लंडन का यह गाड़ी दियो रैली ब्रुम ब्रुम कर जाए। हाँ यहाँ सब्सक्राइबर लोग हैं भाई, बहुत सब्सक्राइबर है, बहुत अंधा। आ जाओ भाई लोग, आ जाओ कूद बांध के, आ जाओ जल्दी से, मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम लोग का इंतजार करता हूँ। देख रहे हो रास्तों में इंतजार करते हैं भाई लोग, इतना प्यार देते हैं हमको। मेरी फेवरेट बाइक आ गई सबसे आगे, R15। मुझे नहीं दिखा था, मैं उड़ते हुए जा रहा था, सीधा निकल जाता। अरे भाई अरे यार बहुत सारे आ गए थे ना। हाँ ठीक ठीक बिल्कुल, अभी कर दे रहे हम लोग। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? आपका स्टेटस देखे हम, फिर एक को इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, देखिए वो बोले कि 12 बजे निकल गए थे। आपको भी मैसेज किया था लेकिन आप लोग देखे नहीं, नीलेश जायसवाल को मैसेज किया, वो बोले कि 12 बजे वो निकल गए थे। अच्छा 12 बजे से? अरे भाई शुक्रिया, भाई शुक्रिया भैया, देख सकते हो इस तरीके का प्यार हमें बिहार से मिल रहा है। तो गाइस ये प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है जब लोग रास्तों में मिलते हैं। अब भाई के साथ एक राइड करेंगे आगे थोड़ी दूर तक, बिकॉज भाई कह रहा है शहर के अंदर से ले लीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा क्रेज कम है तो लोगों को और मोटिवेशन भी मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, आज हम फ्री हैं, आज हम किसी बाउंड में नहीं है कि हाँ हमें जल्दी पहुँचना है या बाउंडेशन राइड है कोई कि हाँ उसी के साथ चलना है, तो हम बिल्कुल फ्री होके राइड कर रहे हैं। ये सारे के सारे बच्चे लोग एकदम पूरा ताड़े पड़े हैं सब। तो गाइस अभी हम औरंगाबाद में, और इस लड़के ने अभी अभी व्लॉग किया और कहा कि मैं बता नहीं सकता ये शेक कितना टेस्टी है, लेकिन मैं बता सकता हूँ ये बहुत टेस्टी है, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत प्यार मिल रहा है औरंगाबाद। ये भाई लोग हैं जो हमें मेन हाईवे से ले आए शहर के अंदर, और इन्होंने कहा चलिए 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 हम आपको शेक पिलाते हैं। आपका लखनऊ से थोड़ी आ रहा है ना। तो भाई बहुत ही मज़ेदार, मतलब ऐसा शेक हमने आज तक नहीं पिया जितना टेस्टी इन्होंने बना के हमें पिलाया है, और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है भाई। सो गाइज राइट नाउ वी आर इन औरंगाबाद, और यहाँ भाई लोगों का प्यार हमें रोक लिया भाई लोगों ने हमें रोक लिया, आगे जाने नहीं दिया। तो यहाँ से खा पी के आप निकल रहे हैं, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 5 बज गया है, लेकिन ठंडी का दिन आ चुका है तो इसीलिए अंधेरा होने लगा है। तो कोशिश करेंगे कि आज हम कहाँ तक कवर करें, दुर्गापुर तक कवर करें, या रास्ते में 250 किलोमीटर तो जाना ही जाना है, उसके पहले हम नहीं रुकने वाले। लेकिन भाई लोगों का प्यार देख के मन कर रहा है फिर से आएंगे, जल्दी आएंगे और स्पेशल यहीं के लिए आएंगे। तो गाइस औरंगाबाद से हम लोग 66 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और बाइक का पेट्रोल जो है ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा इनको डला लेते हैं, तो इसका भी फ्यूल अप हो गया है और RS का भी फ्यूल अप हो गया है। अब यहाँ से कहाँ तक हम पहुँचेंगे ये अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन 8-8:30 बजे तक जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ स्टे ले लेंगे, बिकॉज ज़्यादा रात तक अगर चला देंगे तो एडिटिंग में दिक्कत होगी, फिर सुबह सो के उठ नहीं पाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलेंगी। सो अभी हम दुर्गापुर में बात करेंगे, अगर दुर्गापुर के लोग चाहते हैं कि हम वहाँ मीटअप करें तो मीटअप करेंगे, अदरवाइज सीधे कोलकाता जाएंगे। जो भी होगा अभी थोड़ी देर में आपको अपडेट दे देंगे। अब फ्यूल अप हो चुका है, यहाँ से हम निकल रहे हैं। सो गाइज हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे, लेकिन एक घंटे से यहाँ बैठे हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ आग मिल गई है, और यहाँ पहाड़ी इलाका है, ठंड बहुत तेज है, तो इसने तो कपड़े वपड़े निकाल के पहन लिए हैं। ये पहनी है, उसके अंदर एक स्वेटशर्ट है, उसके अंदर ये है, और ऊपर से ये भी पहनूंगा। इधर ठंडी बहुत लग रही है, बहुत गजब ठंडी है, बस मैं भी अभी कपड़े निकाल के पहनूंगा, उसके बाद ही आगे जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। इधर बहुत गजब ठंड है भाई। हाँ सब दिखा दो, सब दिखा दो। बाकी इधर भैया आग जल रही है, इस आग का पूरा भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, यहीं बैठे हैं। सो गाइस ठंडी बहुत पेल के हो रही है यहाँ पे, इतनी ठंडी हो रही है क्या होता है, अकेले जा रहे हैं इतनी देर से हम लोग, यहीं बैठे हैं, आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन 26 किलोमीटर आगे एक होटल है, तो हमने सोचा वहाँ स्टे कर लेंगे, और हम लोग देख रहे हो ये टी शर्ट नहीं है, टी शर्ट के अंदर एक स्वेटशर्ट भी आ चुकी है, उसके अंदर एक और टी शर्ट है, इतनी ठंडी लग रही है, ये सब एकदम तैयार हो गए, लप हो गई लपा लप एकदम। अब हम भी तैयार हो गए, यहाँ से हम निकल रहे हैं भैया, तैयार हो गए भाई कमरिया। हाँ तो कैसे 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 बिहार 20 किलोमीटर पीछे छोड़ा है, यहाँ कमरिया झारखंड में मत का रहे हैं, झारखंड नहीं है भाई, बिहार भैया पहाड़ी इलाका है ये, यहाँ से निकलते हैं तैयार हो गए, ताकि कुछ ही बढ़िया होटल पे जाए, चकाचक ब्लॉग एडिट करें और सो जाए आराम से, बाकी तो नाइट ज्ञान आपको वहाँ पहुँच के देंगे हम। तो भैया हमको ठंडी बहुत लग रही थी, और हेलमेट पे हवा ना जाए उसके लिए हमने इसका कुछ इस्तेमाल कर लिया है,
अब हम यहाँ से निकलेंगे हेलमेट वगैरह पहन के भैया। सो गाइस यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, सामने ऋषि है, पीछे वत्सली है और अब हमें जहाँ भी होटल मिलेगा हम लोग स्टे कर लेंगे, बिकॉज रात के 9:04 हो चुके हैं। तो ज़्यादा अब लॉन्ग राइड नहीं करेंगे क्योंकि थक भी गए, ठंड भी लग रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है और ज़्यादा हमें हेक्टिक लेना भी नहीं है सर पे बिना मतलब का। तो अब जहाँ वैसे मैंने गूगल मैप करा था तो 26 किलोमीटर पे होटल्स दिखा रहा था, तो वही देख लेंगे, अगर होटल मिल जाएंगे तो स्टे ले लेंगे, आगे का हम डेस्टिनेशन जो भी है वो कल कवर करेंगे और दुर्गापुर में मीटअप करेंगे, धमाल धमाल मचाएंगे। सो गाइस रास्ते में हमें ये एक होटल मिला है, होटल क्वालिटी इन, यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। इससे पहले एक और रिजॉर्ट मिला था भैया, उन्होंने बताया कि 3000 प्लस एक बेड का और एक्स्ट्रा लगेगा, नो वाईफाई, रूम अच्छा था, नो डाउट रूम काफ़ी अच्छा था बट वाईफाई भी नहीं था, और 3000 प्लस GST प्लस तीन लोगों के लिए गद्दा अलग से 500 रुपये। तो हमने कहा नहीं भाई, बिना वाईफाई के इतना पैसा देना वर्थ इट नहीं है। तो यहाँ पे वाईफाई भी है बट रूम उस लेवल का नहीं है, तो काम चल जाएगा बिकॉज हम ठहरे यूट्यूबर आदमी, हमें चाहिए वाईफाई जरूरी। सो गाइस फाइनली हमने ये कमरा ले लिया, यहाँ वाईफाई तो नहीं है लेकिन बाकी सब ठीक है, और ये कुछ रूम है, एसी भी है इसमें, बेड भी ठीक ठाक है, रूम काफी बड़ा है, बाथरूम वगैरह भी साफ सुथरा था, तो हमने ले लिया भैया, ज्यादा कॉस्टली नहीं था ये, 1350 रुपये में मिल गया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना ही है, तो देखते हैं अभी कुछ खाएंगे पियेंगे, लेकिन फिलहाल इस ब्लॉग का यही रैपअप करते हैं बिकॉज काफी ज्यादा टाइम हो गया है, और आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो मिस कर रहे हो काफी चीजें, फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि भाई आप मिले नहीं, आप यहाँ आए मेरे को पता नहीं चला, तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आप अपडेटेड रहो कि मैं कहाँ पे हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।